पांथुर क्षेत्र की बावरियों की ढाणी में बुधवार को खेत से गुजरती हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी के कारण कड़वी के ढेर में आग लग गई। इससे कड़वी में खेल रहा 5 साल का बच्चा जिंदा जल गया, जबकि उसके 3 साल के चचेरे भाई सहित 2 बच्चे झुलस गए। बच्चे लुका छिपी खेलते हुए कड़वी में छिप गए थे और आग लगने पर उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। आग देखकर परिजन वहां पहुंचे तो दोनों को बाहर निकाला, जिससे बच्चे का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हाई टेंशन लाइन ढीली होने से यह हादसा हुआ। मेरे भाई की बच्चियों की शादी थी 11 तारीख की, उसमें आए हुए हैं बच्चे जवाई लड़की, तो उस पर हमारा मकान के सारे कड़वी पूरा लाग रहा था। अब 11,000 की लाइन ऊपर गई थी, अभी वह हिसाब एकदम से चिंगारी पड़ता है और चारों मेर आँच फैल गई। उसमें 4-5 बच्चे खेल रहे थे, 2-3 ने बचा दिया, एक दीखा कोन्या, वो सांप चढ़ कर राख हो गई। हालांकि बिजली निगम के अधिकारियों ने घटना स्थल को हाई टेंशन लाइन से दूर बताते हुए चूक से इनकार किया है। पुलिस भी बच्चों द्वारा खेल खेल में आग लगा लेने की बात कह रही है। पांथुर थाना के SI राज सिंह ने बताया कि हरियाणा के देवली पलवल निवासी सुनील पुत्र बदना ने मामला दर्ज कराया है कि सरकारी RTI के पीछे बावरियों की ढाणी स्थित ससुराल में शादी में शामिल होने के लिए आए थे। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे उनका 5 वर्षीय बेटा आशीष और चचेरा भाई कृष्णा, जो 3 साल का है, बच्चों के साथ खेत में खेल रहे थे। 3-4 बच्चे लुका छिपी खेलते हुए कड़वी के ढेर में जा छिपे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से जा रही हाई टेंशन बिजली की लाइन आपस में टकराने से इनमें चिंगारी निकली, जो खेत में रखी कड़वी और फूलों में जा गिरी। इससे कड़वी के ढेर में आग लग गई और इसके अंदर मौजूद 5 वर्षीय आशीष, कृष्णा व एक अन्य बच्चा झुलस गए। परिजनों ने जैसे तैसे कृष्णा को बचा लिया, लेकिन पूरी तरह से झुलसे आशीष ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। हाँ जी, आज 2 तारीख को जरिए टेलीफोन इतला मिली कि थाने के पास बावरियों का मकान है, पड़बी व कूड़ों में आग लगी, जिससे एक बच्चा आशीष नाम का, जो सुनील का लड़का है, पलवल का रहने वाला था, जो अपने यहाँ नाना के यहाँ शादी में आया हुआ था, उसकी अधिक झुलस जाने से मृत्यु हो गई, तथा एक बच्चा अमित नाम का वो घायल हो गया, जो उससे छोटा है, उम्र में 3 साल का है, और जो ये आशीष है इसकी उम्र करीब 5 साल है। ये अचानक हादसा कैसे हुआ है अभी इस संबंध में जांच की जा रही है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। कितने बच्चे खेल रहे थे? 3-4 बच्चे खेल रहे थे, जिसमें 2 जल गए, 1 की मृत्यु। हाँ, जिसमें बाकी बच्चे झुलस गए, 1 की मृत्यु हो गई।